मनीष जी, मेरा तो मानना है कि जगदम्बिका पाल की हत्या करना चाहता था क्या ये आदमी? पहले बोतल तोड़ी और उसके बाद टूटी हुई बोतल फेंक के मारी जगदम्बिका पाल को, तो आप सोचिए अगर वो सही एंगल में जाके लग जाती तो वो तो घुस जाती उस आदमी के अंदर, तो जगदम्बिका पाल तो आज अपनी आखिरी सांस ले लेते। लेकिन ये स्थिति आई क्यों? आज ये जो कल्याण बनर्जी का हत्यारा चरित्र और चेहरा पूरे देश के सामने आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? और इस तरह के लोग अवैसी ही इनका साथी है, क्योंकि ये किस कीमत पर हम ये उनके साथ गए, जरा इसको दर्शक समझें। और मोदी ने खलिहारों को कैसे खत्म किया ये तो हमने देखा कि जब कल योगेंद्र यादव पे जूते पड़े, मुझे तो लगा कि शायद यूं ही बाद है पता चला बहुत पीटा है वो, और उसके बाद रोना धोना वहां से शुरू हुआ। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बाकियों की भी दुर्गति होगी। आज हम दरअसल परत दर परत समझते हैं, आज बैठक थी, उस बैठक में जो दुर्गत जो कलंकित चेहरा सामने आया वो कल्याण बनर्जी का, जिसने उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाया था वक्त वोट वाले वादे पे। जरा पहले सुन लेते हैं तो प्रेसिडेंट क्या कह रहे थे उस समय। Unprecedented, unacceptable, I think so. In my parliamentary life, मैं चार बार लोकसभा का सांसद रहा हूँ, पांच बार मैं विधानसभा विधान परिषद में रहा हूँ। पिछले 40 वर्ष के संसदीय जीवन में तमाम मैं कमिटीज का चेयरमैन भी रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश की असेंबली में या पार्लियामेंट में। कहीं भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज जो घटना हुई है ऐसी घटना की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह, ये भी कि केवल बोतल फेंक दिया, बोतल को तोड़ा और उसके बाद उस बोतल को जिस तरह फेंका और मेरे सामने आके गिरा। मुझे लगता है कि कल कोई रिवॉल्वर लेके आ जाए, रिवॉल्वर को क्यों नहीं है। तो इस तरह की घटना में मैं तो कितना आहत हूँ, अन्यथा शायद मतलब बहुत भारी मन से कि इनके ऊपर फेंका और इस आदमी ने बोतल तोड़े, कहते हैं जैसी करनी वैसी, बट इसका खुद ही हाथ कट गया और ये ओवैसी का हाथ में हाथ मिला करके उस संजय सिंह के साथ जुगलबंदी कर रहा था। मनीष जी, मेरा तो मानना है कि जगदम्बिका पाल की हत्या करना चाहता था क्या ये आदमी? क्योंकि कोई बोतल ही नहीं फेंकी, पहले बोतल तोड़ी और उसके बाद टूटी हुई बोतल फेंक के मारी जगदम्बिका पाल को, तो आप सोचिए अगर वो सही एंगल में जाके लग जाती तो वो तो घुस जाती उस आदमी के अंदर, तो जगदम्बिका पाल तो आज अपनी अपनी आखिरी सांस ले लेते। लेकिन ये स्थिति आई क्यों? ये हमको आपको जरा दर्शकों को आपको समझना पड़ेगा कि आज ये जो कल्याण बनर्जी का हत्यारा चरित्र और चेहरा पूरे देश के सामने आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये एक तरह से ये इसने नंगनाश क्यों किया? ये जगदम्बिका पाल की जान लेने पर क्यों अड़ गया? क्योंकि ये इस बात पे अड़े हुए हैं कई सारे सेकुलर कि जगदम्बिका पाल की कमेटी जो बनी है, उसे दिखा दीजिए आप कि वो जो संसदीय समिति बनी है, ये फ्रेम इसी ने दिखाने की जरूरत है कि देखिए कैसे ओवैसी के साथ ये गलबहियां कर रहा है और साथ में वो टिकट ब्लैक किया भी है। ये अपने आप में मैसेज है कि ये किस लिए मार रहा था जगदम्बिका पाल को। देखिए ओवैसी उसको हाथ पकड़ के ले जा रहा है और साथ में टिकट ब्लैक किया भी है। नहीं, ओवैसी जैसों के लिए तो मनीष जी उनकी तो लॉटरी खुली है, जब इस टाइप के लोग उनके साथ आ गए तो उनको मालूम है कि वो तो इनको कोई छुएगा नहीं चिमटे से, और इस तरह के लोग ओवैसी ही इनका साथी है, क्योंकि ये किस कीमत पर हम ये उनके साथ गए, जरा इसको दर्शक समझें। कि मैंने लिखा है मनीष जी कि देश में वक्फ कानून की बंदूक के द्वारा, जरा गौर करिए कि देश में कांग्रेसी वक्फ कानून की बंदूक के द्वारा देशवासियों की जमीनें मुसलमानों द्वारा खुलेआम लूटी जाए, इस सार्वजनिक लूट पर कोई रोक टोक न लगाई जाए। अपनी इस जिद के जहर के नशे में धुत टीएमसी सांसद ने कांच की बोतल तोड़कर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को मारी, यानी उनकी जान लेने की कोशिश की। ये थी इसकी साजिश, किस लिए? ताकि वो जो वक्फ के नाम पे जो हिंदुओं की जमीन लूट रहे, ये लूट चलती रहनी चाहिए। दरअसल मोदी की तीसरी पारी को कमजोर समझने के नशे में धुत इन नेताओं का सारा नशा पीएम मोदी की तीसरी पारी के पहले 25 दिनों ने ही उतार दिया है। नतीजतन अब इतनी बुरी तरह तिलमिला बौखला गए हैं कि खून खराबे पर उतारू हो गए हैं। ये है इनकी असलियत कि इनको इस शर्म नहीं आ रही इस कल्याण बनर्जी को, इसके नाम में हिंदू है ये,
ये आदमी इस बात पे जगदम्बिका पाल की जान लेने पे आज आमादा हो गया कि मैं जो हूँ इस बात का विरोध करता हूँ कि वक्फ कानून का कोई संशोधन न किया जाए और पुराना ही कानून चलने दिया जाए जिसमें मुसलमान जिसको कह दे जो जमीन उसकी वो जमीन उसको मिल गई। तो अब आप दर्शकों को तय करना है कि ये राक्षस है या नेता है, ये आप तय करिए।